हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल आईके फ्री प्रोग्रामर। आज की इस वीडियो में आप लोगों को मैं एक एप्लीकेशन से इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ। ये एप्लीकेशन बहुत ही काम का है। ये आपकी इमेज को कंप्रेस करेगा, ठीक है? और ये साधारण सा एप्लीकेशन देखने में लग रहा है, लेकिन बहुत ही काम का है। ये आपकी 5 से 6 MB की इमेज को, यानी कि फ़ोटो को, कुछ KB में कन्वर्ट कर देगा। तो मैं अभी इस वीडियो में, आप लास्ट तक बने रहो और देखो इसका कमाल कि आप इसमें क्या क्या कर सकते हो, ठीक है? जैसे कि आपका फ़ोन फुल हो गया है इमेजेस से और आपका कैमरा ऑन नहीं हो रहा, तो आप फटाफट क्या करो, अपने फ़ोन के सारे एप्लीकेशन फ़ोन के अंदर की जितने भी इमेजेस हैं उनको कंप्रेस कर लो फटाक से, जितने GB की है MB में, कुछ MB में कन्वर्ट हो जाएगी और आपका स्टोरेज बच जाएगा। तो काफ़ी हेल्पफुल है। IM करके दिखाएंगे आप लोगों को इस एप्लीकेशन द्वारा। ये पाइथन में एप्लीकेशन बनी हुई है और इसे बनाने में कुछ टाइम लगा मुझे, लेकिन बहुत अच्छा काम कर रहा है। इससे क्या होता है कि मैं, अगर आप खुद का एक एप्लीकेशन बना लेते हो तो आपको किसी और का एप्लीकेशन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और उसमें जो आपकी प्रोफाइल का डेटा उनके पास जा रहा होता है वो नहीं जाएगा, आपके पास ही रहेगा। तो बहुत कम ही यूज़ करें, और जो भी एप्लीकेशन अगर आपको यूज़ करना है, आप प्रोग्रामर है, तो खुद का एक एप्लीकेशन ज़रूर बना लें और उसे खुद ही यूज़ करें, ठीक है? अदरवाइज़ किसी और को भी सिखाएं और किसी और को भी बताएं और उससे बेनिफिट लें। अगर आपको ये एप्लीकेशन चाहिए हो तो आप नीचे DM डिस्क्रिप्शन में मेरा फ़ोन नंबर है, मतलब व्हाट्सएप नंबर है, आप मैसेज कर सकते हो और मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर सकता हूँ, ठीक है? तो ये एप्लीकेशन, आइए चलते हैं और देखते हैं कि कैसा है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये इमेज क्या, देखिए यहाँ पर अगर इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाए तो, इसके प्रॉपर्टी में आए तो इसका साइज़ कुछ 4.48 MB है, ठीक है? अब 5 MB के लगभग आसपास है, तो मैं चाहता हूँ कि ये MB, ये जो इमेज है, ये कन्वर्ट हो, यानी कि कंप्रेस हो और कुछ KB में कन्वर्ट हो जाए। तो ये देखिए यहाँ पर 2 फ्रेम बनाए मैंने। पहला फ्रेम कह रहा है कंप्रेस इमेज, क्लिक हेयर टू प्रेस कंप्रेस इमेज सिंगल। अगर आपको सिंगल इमेज कंप्रेस करना है तो इस फ्रेम पर क्लिक करिए, अदरवाइज मल्टीपल आपको करना है इमेज तो इस फ्रेम पर क्लिक कीजिए। तो हम पहले सिंगल इमेज आप लोगों को कंप्लीट करके दिखाता हूँ कि हो रहा है या नहीं, ये वर्क, ये एप्लीकेशन वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर आगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस, और यहाँ पर आप सर्च कीजिएगा, सर्च बटन पे क्लिक कीजिएगा, तो सर्च हुआ। अब डेस्कटॉप में जाऊँगा मैं, डेस्कटॉप में वो मेरी पिक जो है, भाई की पिक है, उससे फटाफट ले लेता हूँ। तो मैंने ओपन किया और यहाँ पर आपको हाई 400 दिया। मैं चाहता हूँ आप लो कर देता हूँ, लो इसलिए कर देता हूँ कि आपको ऐसा ना लगे कि लो कर रहे भाई 48 की तो KB में कन्वर्ट हो रही है तो शायद अभी इमेजेस फट जाएगी, और 5 MB की इमेज और KB में कन्वर्ट होना, तो पाइथन में ऐसा कोई दिक्कत नहीं होता है कि फ़ोटो की आपकी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। चलिए हम करके आपको दिखा देते हैं आपके सामने। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने कंप्रेस लिखा, कंप्रेस होकर बनकर आ गया यहाँ पर। अब मैं इसे ओपन कर लेता हूँ, ठीक है? और पहले ओपन करने से पहले इसको हम जरा इसका साइज़ देख लेते हैं। इसका साइज़ हो गया 124 KB। अब सोचो आपकी 5 MB की फ़ोटो और 124 KB में, तो कितना ज़्यादा आपका स्टोरेज बचा रहा है। आपके फ़ोन में बहुत ज़्यादा 1 GB 1.5 GB 2 GB के अगर, या आपके सिस्टम में है, या आप शादी की कुछ बहुत सारे फ़ोटोज़ 1 GB 2 GB के रखे हो और उसे कन्वर्ट कंप्रेस करके कुछ MB में कर लो, तो आपके मेमोरी या स्पेस बहुत ज़्यादा बच जाएगा, पेन ड्राइव में जगह बच हो जाएगी। आप पेन ड्राइव में कर सकते हो, फ़ोन में कर सकते हो, इस एप्लीकेशन द्वारा आप कहीं भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है? तो इसका साइज़ आपका यहाँ पर इतना ज़्यादा कम हो गया। आप देख लेते हैं कि इस फ़ोटो में क्या क्लियरिटी है या नहीं है, ठीक है? तो चलिए थोड़ा बटन दिखा देते हैं आपको इससे भी ओपन करके। अगर हम आपको जूम इन करके दिखाऊं तो, ठीक है, तो मुझे तो कोई डिफरेंट नहीं लग रहा। आपको क्या कुछ डिफरेंट दिखाई दे रहा है? मुझे कोई डिफरेंट नहीं दे समझ में आ रहा है, फटी तो नहीं बिल्कुल भी। और भी बहुत सी पिक है, मैं दिखाने वाला हूँ,
मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो में। और हम चाहते हैं कि एक फाइल पूरा कन्वर्ट हो जाए, मतलब ये एन नाम की ये फाइल है, इसके अंदर बहुत सारे पिक है, मैं बटाक से कंट्रोल ए और डिलीट कर देता हूँ। क्लियर, ये डिलीट है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। अब मैं पूरी पूरी फाइल क्लियर कर देता हूँ, मतलब कंप्रेस करके आपको दिखा, ये खाली हो गया और एन नाम के फोल्डर में बहुत सारी पिक हैं, जिसकी जिसका साइज़ हम देख लेते हैं पहले। इसका साइज़ है कुछ 148 MB, ठीक है, फोन 148 MB का है। और देखिए कंप्रेस होता है कि नहीं, दोनों सिस्टम यूज़ किया है तो दोनों सिस्टम आप करके देख ही लेते हो। तो फटाफट इस पर क्लिक करेंगे, ये कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, सर्च करेंगे और एन नाम की फाइल डेस्कटॉप पे, ठीक है, और एन नाम की ये फाइल फोल्डर को मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ सर्च में गए और जो खाली है मेरा यहाँ सर्च कर लेते हैं, न्यू विंडो, हाँ न्यू विंडो 2 शायद से नाम है, देख लेते हैं इसका नाम क्या है, न्यू विंडो 2, यस सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद आई लो मीडियम कर लेते हैं, इधर मीडियम करके दिखा देते हैं और कंप्रेस कर लिया। देखिए यहाँ पर कंप्रेस होना स्टार्ट हो गया, यहाँ पर फोटो भरनी स्टार्ट हो बंद आनी स्टार्ट हो गई, तो ये पूरी कंप्रेस हो जाएगी। यहाँ पर मैसेज आ जाता है कंप्रेस क्लिक कर, और मैं आप लोगों को ये ओपन करके दिखा देता हूँ इसके अंदर की फ़ोटो क्या, मतलब क्लियरिटी कुछ प्रॉब्लम्स आई है तो वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पर मैं मान लीजिए ये फ़ोटो ले लेती हूँ और देखिए आपको जूम करके दिखाता हूँ, तो मुझे तो कुछ भी चेंजमेंट नज़र नहीं आया, जैसे उसमें है उसमें इसमें भी है, देख पा रहे हो आप, और भी मेरे देखिए, तो यहाँ पर भी कोई क्लियरिटी उतनी है। और मैं आप लोगों को कहूँगा कि देखिए क्या फटा है, कुछ भी नहीं फटा। और इसकी देखिए अगर तो 64 KB की हो गई, अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज में आपको अभी बढ़ा करके दिखाएं तो देखिए 64 KB की हो गई है इमेज, और काफ़ी अच्छी है, कोई भी चेंजमेंट नहीं आया बस। तो ये मेरे दोनों भाई हैं, एक बड़ी अम्मी का लड़का है और ये मेरा छोटा भाई, और ये मेरे मामू हैं जो कि काफ़ी क्लोज हैं और मेरे दोस्त भी हैं, और इनकी मुझे बहुत अच्छी लगी, और भी बहुत से लोग हैं तो, बट अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और बहुत सारे इमेजेस हैं, देख कोई क्लियरिटी में कोई भी चेंजमेंट नहीं आ रही है फिलहाल, आप देख पा रहे होंगे। तो चलिए अब इसकी देख लेते हैं कि इसका साइज़ क्या हुआ, ठीक है। इसका साइज़ अगर हम देखें तो साइज़ कुछ 51 MB बची, 148 MB से 51 MB हो गई, कितना ज़्यादा कम हो गया। तो इस तरह की इतना ज़्यादा आप स्टोरेज बचा सकते हैं इस एप्लीकेशन से। अगर ये एप्लीकेशन आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ना करना ना भूले, अगर मेरी इस चैनल पर नए हैं तो। अगर आपको ये एप्लीकेशन चाहिए तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप वहाँ पर मैसेज कीजिए। ओके, थैंक यू।